गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज देखते हैं पेज नंबर 68, चैप्टर नंबर 12, इनडायरेक्ट कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने इसके रूल्स पढ़े थे कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को हमें कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहिए। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, द कॉबलर सेड, अलास आई एम रूट। द कॉबलर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज रूट। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि वो बेचारा दुखी होकर बोल रहा है कि मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड सैडली, बेचारा दुखी होकर बोल रहा है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है। आई किसके लिए यूज हो रहा है? कॉबलर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ही यूज किया है। एम प्रेजेंट में था, जब चेंज करेंगे तो पास्ट में वॉस हो जाएगा, ही वॉस रूट। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, सेड द टीचर। द टीचर विश द गर्ल्स गुड मॉर्निंग। अब देखें यहाँ पे जो टीचर है वो क्या कर रही है अपने गर्ल्स क्लास की, गर्ल्स को क्या बोल रही है? गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो यहाँ पे जो टीचर विश कर रही है, विश द गर्ल्स गुड मॉर्निंग। रमन सेड हुर्रे माय फ्रेंड हैज कम। रमन एक्सक्लेम्ड ओ फुली जॉयफुली। रमन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट हिज फ्रेंड हैड कम। तो रमन खुशी से बोल रहा है कि मेरे दोस्त लोग आ गए हैं। तो माय फ्रेंड मतलब यहाँ पे रमन के दोस्त की बात हो रही है, तो हमने हिज फ्रेंड यूज किया है। हैज कम प्रेजेंट में था, जब पास चेंज करेंगे तो पास में हैड हो जाएगा, हैड कम। रमन एक्सक्लेम जॉयफुली दैट हिज फ्रेंड्स हैड कम। सिमी सेड हाउ ब्यूटिफुल द प्राइज इज। सिमी एक्सक्लेम एडमायरिंगली दैट द पिक्चर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मतलब किसी चीज़ को देख के बोली कोई पिक्चर को कि बहुत सुंदर है, मतलब वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। दैट द पिक्चर वॉस, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? वॉस वेरी ब्यूटीफुल। और हम जानते हैं क्वेश्चन वाले को हमें क्या करना होता है, नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहता है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट यूज किया है। जैसे पिक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर हमने वर्ब यूज किया है, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया है। द बॉय सेड हाउ हार्ड द बॉल इज। द बॉयज एक्सक्लेम इन वंडर। मतलब जो लड़के हैं वो सोच रहे हैं कि वो कितनी तेज से मतलब बॉल थी, तो वही एक्सक्लेम इन वंडर दैट द बॉल वॉज वेरी हार्ड। बॉल सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने वर्ब यूज किया है, इसका क्या हो जाएगा? वॉज वेरी हार्ड। ही सेड मे गॉड रिवॉर्ड योर हार्ड वर्क। ही प्रेड टू गॉड टू रिवॉर्ड हिज हार्ड वर्क। तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा रिवॉर्ड मिले। तो ही प्रेड टू गॉड, वो भगवान से प्रे कर रहा है हिज हार्ड वर्क। योर हार्ड वर्क मतलब उसका हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क। ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। वो अपने फ्रेंड को बाय बोलना है, किसके? माय फ्रेंड मतलब उसके फ्रेंड को बाय कर रहा है, तो हिज फ्रेंड्स गुड बाय। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 8। आमिर सेड हाउ फुलिशली यू हैव एक्टेड। आमिर स्कोल्डेड मी सेइंग दैट आई हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। यू हैव मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? उसके लिए। तो आई हैव एक्टेड प्रेजेंट में है, जब चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा? पास्ट में हैड एक्टेड। और वो मतलब बहुत बुरी तरीके से कह रहा है, पनिश करने के तरीके से कह रहा है, तो स्कोल्डेड मी। He said to us, why are you all sitting here? He asked us why we all were sitting here. Here की जगह there होगा, sitting there. देखिए asked मतलब वो पूछ रहे हैं कि सब लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो। Why conjunction हो गया यहाँ पे, जैसे हम that use करते हैं यहाँ पे why use किया है। You का मतलब सब लोगों के लिए, तो we होगा यहाँ पे we all। R का क्या हो जाएगा? Were sitting। हियर का क्या हो जाएगा? देयर, क्योंकि हम डिस्टेंस दिखाते हैं नियरनेस वर्ड को, तो देयर हो जाएगा। द ओल्ड बैगर सेड ओ फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। द ओल्ड बैगर क्राइड आउट फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। जो बैगर है वो क्या कर रहा है? रो रहा है एक पीस ऑफ ब्रेड के लिए। द ओल्ड वुमेन सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू। द ओल्ड वुमेन प्रेड टू गॉड टू ब्लेस हिम। अब यहाँ पे जो एक लेडीज है वो क्या कर रही है? ब्लेसिंग दे रही है, वो भगवान से प्रे कर रही है टू गॉड टू ब्लेस यू। ब्लेस यू मतलब किसी पर्सन को ब्लेस हिम हो जाएगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। गिविंग हिज बेस्ट विशेस
ही प्रेड टू गॉड टू ब्लेस हिज फ्रेंड विथ सक्सेस. मतलब भगवान से प्रे कर रहा है, बेस्ट विशेस दे रहा है कि भगवान तुम्हें बहुत सक्सेस दे. ही सेड हुर्रे माय ब्रदर हैज वॉन द रेस. ही एक्सक्लेम प्राउडली. मतलब वो प्राउडली कह रहा है कि मेरा भाई जीत चुका है. दैट हिज ब्रदर. माई ब्रदर का क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर, क्योंकि वो अपने ब्रदर के लिए कह रहा है. हिज ब्रदर हैड. हैज का क्या हो जाएगा? हैड वॉन द रेस. द रिच मैन सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन. द रिच मैन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश. अब जो रिच मैन था वो क्या कर रहा है? दुखी से बोल रहा है कि मैं कितना फुलिश था. हैव का क्या हो जाएगा? हैड बीन. शी सेड वट दैट आई वर द क्वीन ऑफ अ मैजिकल लैंड. शी विश दैट शी वर द क्वीन ऑफ अ मैजिकल लैंड. क्योंकि वो विश कर रही है कि वो क्वीन बन जाए. माई ग्रैंड मा सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ. विशिंग मी विल माई ग्रैंड मा प्रे टू गॉड टू ब्लेस मी विथ लॉन्ग लाइफ. मतलब भगवान से प्रे कर रही है कि मेरी लाइफ लंबी हो. द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द टॉस. द बॉयज एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दे हैड वॉन द टॉस. मतलब वो खुश हो गए हैं कि वो टॉस जीत चुके हैं. दैट दे वी की जगह क्या हो जाएगा? दे हैव की जगह हैड वॉन द टॉस. सी सेड ओ गॉड आई लॉस्ट माई पर्स. कॉलिंग गॉड एज विटनेस सी एक्सक्लेम सैडली दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स. हैव लॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा? हैड लॉस्ट. और आई की जगह शी, क्योंकि सामने पर्स होया है. और बेचारी दुखी होके बोली है, सैडली होके बोल रही है. जिया सेड वॉट अ फाइन वेदर इट इज. जिया एक्सक्लेम जॉयफुली दैट द वेदर वॉज वेरी फाइन. इसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. और वो जॉयफुली मतलब वेदर को देख के तारीफ कर रही है, खुश है. रॉबिन सेड अलास आई हैव बीन रॉब्ड. रॉबिन एक्सक्लेम सैडली, दुखी हो गया, दैट ही हैड बीन रॉब्ड. हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा. हैड बीन रॉब्ड. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे देखेंगे. थैंक यू.